जितने भी तमाम चार सभाओं के जो मेंबर थे, खुद ने व्यक्तिगत फोन करके सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके और सारे जाट भवनों के गेट इस तरीके से खोल दिए जैसे गुरुद्वारों में कोई लंगर चल रहा है। ऐसे मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व डीजीपी डॉक्टर एमएस मलिक साहब कि आप आए और आप समाज और कौम और बिरादरी को संक्षिप्त रूप में उद्घोष करें। डॉक्टर एमएस मलिक साहब, सर्वप्रथम मैं जाट सभा चंडीगढ़ और पंचकुला और तमाम पंचकुला वासियों की ओर से आज की सभा में सभा के सभापति और समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय मान्यवर आचार्य देवव्रत जी, दीनबंधु चौधरी छोटूराम के नाती, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे मान्यवर चौधरी बीरेंद्र सिंह, मंचासीन अन्य महानुभाव, आदरणीय बहनों और दूर दराज से आए हुए, विशेष तौर से जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, हरियाणा के अलग अलग कोने से, राजस्थान से, यूपी से और विदेशों से आए हुए तमाम जाट भाइयों और बहनों, आपके यहाँ आगमन पर हम बार बार आपका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। मेरे से पूर्व जाटों के बारे में बहुत सी बात की, इससे पहले हमारा सभी का ये कर्तव्य बनता है और मेरा ये परम कर्तव्य है, जिनके नाम हमारे सामने लगे हुए हैं और जिनके नाम से ही पूरे समाज को गर्व है। मैं सबसे पहले महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, राजा नहार सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, दीनबंधु चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और मान्यवर चौधरी देवीलाल को बार बार नमन करता हूं। जाटों के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं, हमें वैसे तो कोई पसंद नहीं करता, केवल जब देश में खेल होते हैं विदेशों में और युद्ध होता है तभी पसंद किया जाता है, उस टाइम पर बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो हमारी जनसंख्या केवल 3% है, पंसानिया जी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चिंता मत करो, उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, 3% है। और अगर जट सिखों को मिला जाए, मेरा ये सुझाव है सभी से कि भी अपने साथ रखो, जाट और जट सिख अलग अलग नहीं है और जब दोनों को मिली है तो उन्होंने हमेशा सदैव नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे भारत चीन का युद्ध हो, सारे जाट रेजिमेंट और जाट सिखों ने आगे बढ़ के, मैं तथ्यों की बात है, मैं कोई झूठी बात नहीं करता, हमारी पॉपुलेशन 3% है लेकिन जब देश में विकास की बात हो, जब देश में देश के राष्ट्रीय एकता के रख रखाव की बात हो, देश के स्वतंत्रता के रख रखाव की बात हो, तो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन 97% होती है, सबसे ज्यादा। इस बात के ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। लेकिन कमाल है, कई भाइयों ने जाट आरक्षण की बात की, लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या है पूरे राष्ट्र में, महामहिम महोदय भी इस बात को मानते हैं, बेरोजगारी। और बेरोजगारी में सबसे पहला नंबर हरियाणा का है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, राजस्थान यूपी में भी है, जेएनके में भी है, सब जगह, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की बात कैसे दूर हो सकती है, आरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन बेरोजगारी की बात कैसे दूर हो सकती है? जो भी आपके आज के दिन के या आगे आने वाले समय में राजनेता होगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह नाराज हो जाएंगे या सौमीर सिंह जी नाराज हो जाएंगे, हमारे भाई साहब हैं, उनसे वोट देने के नाम पर ये पूछो कि यू बता कितने छोरे ने नौकरी दिलाओगे, यू बता कितने छोरे ने नौकरी दिलाओगे, ये मैं ठीक बता रहा हूँ, इस बात की गांठ ठीक कर रहे हो कि नहीं?
बात क्या है, कुवारापन की बात। वीर देखे तो आओगे। आज के दिन हंसने की बात है ना, तुमने पता है एक एक गांव के अंदर महामहिम महोदय 250-250, 300-300 लड़के कुवारे घूमते हैं, रंधवे घूमते हैं, और वो उनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगारी से कॉन्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज्यादा अपराध में हमारे लोग, समाज के लोग शामिल है। ये बड़ी शर्म के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, हमारे लोग शामिल है, क्योंकि रोजगार नहीं। दीन बंधु छोटू राम ने एक नारा लगाया था, भर्ती हो जा रहे रिक्रूट, यहां तो पहने टूटे जूते वहां मिलेंगे बूट। छोटे से नारे ने पूरे उत्तरी भारत में, विशेष तौर से पंजाब में और बाद में हरियाणा बन गया, इसके अंदर एक नई क्रांति पैदा की थी। और उस क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ कि भी आज के दिन रोहतक, सोनीपत और पंजाब के लोग, लेफ्टिनेंट जनरल और उससे ऊपर जो यहां पर है और कहीं नहीं, हमारे समाज के लोग, ये उसी नारे का काम है। इसलिए मैंने बात कही, जब भी कोई वोट मांगना आवे बोलो बताओ कितने छोरी भर्ती कराओ। और एक बात और ध्यान में, दूसरी बात, महानुभाव से मैं निवेदन करता हूँ, जो नए नए जवान छोकरे हैं, जवान लड़कियां हैं, आप उनको पॉलिटिक्स में ले आओ, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आज के दिन सारी ताकत राजनीतिक दल में है, शासक दल में है। जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो उनको कहो इस बार तो वोट दे देंगे, अगली बार हमारे गांव के छोरे ने राजनीति में लिया होगा नहीं लिया होगा, ठीक कर रहा हूं। इसी तरह आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा, आज के दिन देश की भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, अपनी शिक्षा प्राप्त करके फौज में, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, इसमें भर्ती हो। अगर आपको आगे पढ़ने की गुंजाइश है तो पढ़ो, इसमें भर्ती होगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो वही बड़ी बड़ी पोस्टों पे कामयाब। सोचना चाहिए। और दीन बंधु छोटू राम केवल एक बात कहते थे, वो कहते थे जात से मैं जाट हूं, कर्म से और धर्म से मैं किसान हूं। तो मेरा सभी महानुभावों से, राजनीतिज्ञों से ये निवेदन है कि सारे युवा नारा अपना ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भाई कह रहा था कि भाई जाट जो अफसर बना है उसके बिना नायड़ में सरिया आ जाए, जाट अगर अफसर बनता है तो उसकी नायड़ में सरिया आ जाए। भाई मेरी नायड़ में तो आ नहीं, हम तो रुक के मार मार के जाट भर्ती किए। लेकिन पूछे एक राजनीतिकों को क्या जरूर सरिया आ जाते, मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं जो जाट के नाम से नाम ना ले दिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ बैठ के डरेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, इनको पता है, ये यहाँ सीनियर मंत्री भी रहे, 2-3 बार रहे। एक टाइम ऐसा था कि फाइल आती थी प्राइवेट सेक्रेटरी उसके ऊपर जे लिख देता, जे का मतलब जाट, और ये क्या समझते हैं दूसरे लोग जो लिखने वाले हैं, जस्ट अवॉइड देम, भाई जाटों को तो दूर रखो, जस्ट अडोर देम कि उनकी घृणा करो उनसे, जस्ट एनिमल टाइप। लेकिन मैं और मेरे जाट सभा के साथी हमेशा कहते हैं, जाट ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ, सच्चाई और ईमानदारी का नाम भी जाट है। आप जितना जाट का नाम लोगे राजनीति को भी उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाम नहीं लेते, अगर राजनीतिक आपका भला करना चाहे, मैं तो ये कह दूं चौधरी छोटू राम के 3 वर्डों को अपनाएं कि भाई मैं जन्म से जाट हूं और कर्म और धर्म मेरा किसानी है। चौधरी चरण सिंह की नीतियों को अपनाएं, चौधरी चित देवीलाल जिन्होंने समाज कल्याण की सूत्राधार दे उनकी नीतियों को अपनाओ, तारा भला अपने आप हो जाएगा। पीछे ये कौन ही मारने वाला है, इससे पहले मैं अपने आपकी मेरी तरफ से और हमारी तरफ से जाट सभा चंडीगढ़ हमेशा आपकी भलाई के लिए तैयार है। नौकरी चाहिए, अरे भाई हम तो कोशिश करते हैं तारा ब्याह भी हो जाए, हर वर्ष को हम सम्मेलन भी लगाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आरोप लगा सकता है। मलिक साहब आप तो हमारा प्यार स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हैं, ऐसे महान वीर योद्धा रहे हैं। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं चाहूंगा, क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, मंच के सामने भी लोग हैं, मंच के